वो सुबह कभी तो आएगी। इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा। बस सारा शब्द एक होंदा सी फिकरा टिपिकल कि जे मेरा इहो जिहा मूंह हुंदा, मानोला साहब दा मूंह फड़ के कहंदे जे मेरा इहो जिहा मूंह हुंदा बल्कि क्यों अबू नूं आ गया ने कहंदे लो जी जे मेरा इहो जिहा मूंह हुंदा ते अलविदा हो कहंदे बेटा तेरे भी पैसे वधे होणे। फिर शेरशाह सूरी आए, शेरशाह सूरी लगदा साडा ताता च आया। अस्सलामुअलैकुम, कसौटी एट ओपन माइक कैफे में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा, और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब, और आज पहली बार मेरा ख्याल है कि खबरहार टीम की मेन कास्ट हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले जी हनी भाई, अस्सलामुअलैकुम, गिव हिम अ बिग हैंड। हनी अल बेला, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम ओएमसी के फ्लोर पे बड़ी देर बाद। जी हाँ, मेरी तरफ से वालों में से इसका, ही इज वन ऑफ द पायनियर्स। जी सर, इनके साथ हमने शुरू किया था, बल्कि पहली एपिसोड ही आप लोगों के साथ थी। बड़ी बड़ी मुबारकबाद डॉक्टर साहब, मेरी तरफ से आपको, आफ्ताब साहब को, शकील साहब को, और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक किसी तरह ही ये ओपन माइक कैफे जो है, मैम थोड़ा जिला हो गया, ओपन मैन कैफे थोड़ा जिला हो गया, पहले भी हुआ था, अब भी हमने पुन्नू को बहुत दूर बिठाया है। मैं पहले भी कहता होता था कि, बल्कि पहले कह दिया जो आपने वो नहीं कटेगा, कि आफ्ताब साहब एक पारस है, उनके साथ जो टच होता है ना, वाह वाह, सोना बन जाता है। क्या बात है, अल्लाह पाक ने की ऐसी किस्मत, खुद मिट्टी होई जा रहे हो, दूसरे ने सोना करी जा रहे हैं। दुआ ये है कि अल्लाह पाक इनकी हजार हाँ साल जिंदगी करे, ताकि इस तरह की जो चीजें हैं वो पनपती रहें और लोग इससे इस्तेफादा करते इंशाल्लाह। और बब्बन तो है ही, पुन्नू का पिछले दफा बहुत बुरा हाल हो चुका था, इसके बावजूद है सखावत पहली दफा आया है। मैं इसीलिए उनको स्किप करके आखिर में आई हूँ कि सखावत भाई बिल्कुल ही पहली बार आए हैं, और मैं थोड़ी सी गुजारिश कर दूं, वहां तो हमने इसे टके टोकरी किया हुआ है ना, ये कि घर की मुर्गी है ये, हमारी स्टेज के इस वक्त जो हैवी वेट्स है ना, जी हाँ, मैं इसे सोहेल अहमद के बाद हरफे आखिर समझता हूँ, क्योंकि सीनियर्स तो सारे टोटरा गए, तो सखावत नाज जो है ना इज अ वेरी बिग नेम थिएटर में, तो कमाल है। क्या बात है, और ये भी कोई बात नहीं कि इसको जुगते लगी हुई हैं, ये जुगते करना इसकी आदत है, ये बहुत क्रिएटिव आदमी है, बहुत क्रिएटिव जुगत करता है, क्रिएटिव शरारत करता है, पोएट्री करता है, राइम्स में करना कराना, ये सिर्फ हम जिस तरह शरारतन बाजों का तोहीन आमेज रवैया अपना लेते हैं, जी सर, यार ये क्या फिक्की और ये, और लेकिन आफरीन है वो, उसने चूंकि तहिया कर रखा है कि आफ्ताब साहब के साथ ही काम करना है। तो एक शख्स होता था हमारे इसी ग्रुप में, जिसका नाम मुल्तानी ने, वो जो हमारी कस्बा गुजरात है, उसे फिकड़ों कड़ों रखा हुआ था। एग्जैक्टली आज वो हमारा ओपनर बैट्समैन है, बाबर आजम है कॉमेडी का, इसलिए कि उसने पेशेंस का मुजाहरा किया, कंसिस्टेंसी, और आज वो कोई मौका जाने नहीं देता। क्या बात है, अगर वो मूड में हो, उसकी नींद पूरी हुई हो, वो इन्वॉल्व हो, तो वो बिल्कुल ऐसा जैसे बाबर आजम जिस दिन खेल रहा हो, तो फिर स्काई इज द लिमिट। यस, उसका मूड ना हो, कोई और वजह हो, मौसम ठीक ना हो, विकेट इंतहाई खराब हो, फिर अलग बात है। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि सखावत भाई हजार फिक्कियां फंबल्स कर रहे होते हैं, लेकिन जब भी करते हैं सबकी क्लैप जरूर लेके जाते हैं, आउट ऑफ द पार्क छक्का मार रहे हैं, हमेशा छक्का उसका। क्या बात, यानी आपकी मोहब्बत ही इतनी है माशाल्लाह, क्योंकि मुझे, मैं पहला इनका समझ ले प्लेयर, पहला प्लेयर पीनो पे मेरी पहली बत्ती, पंजाबी उर्दू को खुल के करो, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अरे गल्ला बड़ी है, कुछ भी नहीं है, ये पहले से फिल्मी दफ्तर जी नहीं सिखा रहे होते थे, वो स्माइल आ रही है, क्या अच्छा सर, बहुत नाज है इसका, और साफ नहीं इतने आके मतलब काफी कुछ सीखने को मिलता है। मैं 8-10 साल मिस किए, मैं उन्होंने बहुत मिस कर रहा, कि मेरी जिंदगी जो
ਇੱਕ ਬੜਾ ਖਲਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ 8-10 ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਦੌੜਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਨੋਰਮਲ ਟਾਈਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਸਰ ਅੱਜ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਆਪਕੀ ਮੇਨ ਕਾਸਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰ ਇਤਨੀ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤੋ ਆਜ ਚੁੱਕੇ ਨਿਆ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੌਫਟ ਲਾਂਚ ਥੀ ਇਸ ਲਈ ਆਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਹਰ ਰੌਣਕ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੈ ਹਮ ਕਸੌਟੀ ਕਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਲਾਈਨਡ ਅਪ ਵੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜੀ ਇਹ ਕਾਮੇਡੀ ਕੋ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰਕਾ ਹੈ ਬੈਠੇ ਹੈ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਅਭੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਬੋਰ ਹੋਗੇ ਕਿ ਸੋ ਜਾਏ ਮਾਂ ਸਿਵਾਏ ਬੱਬੂ ਰਾਣਾ ਕੇ ਸਭ ਚਲੇ ਜਾਏਗੇ ਬੱਬੂ ਰਾਣਾ ਚੁੱਕੇ ਕਸੌਟੀ ਕਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਮੇਡੀ ਕਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਨਦੀਮ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰੈਸਲਰ अच्छा माशाल्लाह तो सर नया टाइम के लिए आपको सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक थैंक यू वेरी मच आपको शाह साहब को अतीकुर रहमान साहब को नाम ग्रुप को एंड ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू वेरी मच दुआ कीजिए कि जिन मकासद के तहत हमने इसको लॉन्च किया है अल्लाह उनमें हमें कामयाब करे और बरकत डाले बाकी जो इनकम है ना वो तो वट में पड़ी होती है आप अच्छा काम करें अच्छी चीज दें अल्लाह ताला आपको इतना नवाजता है कि आपकी बियॉन्ड इमेजिनेशन बिल्कुल इसलिए हमें वो मकासद पूरे करने हैं जिसके तहत हम ये कर रहे हैं वरना हम सारे अपना अपना बिजनेस मज़े से कर रहे हैं शाहजी को तो सोचने की भी ज़रूरत नहीं ना हम भी बड़े मज़े में हैं अतीक साहब का भी मामला बड़ा ठीक चल रहा है लेकिन ये एक ऐसा बड़ा काम था कि हमने सोचा कि ये बीड़ा भी हम ही को उठाना है कि एजुकेट करना है लोगों को पाकिस्तानी एजुकेशन से एजुकेशन वही नहीं जो स्कूलों में मिलती है एजुकेशन वो है जिसकी अशद ज़रूरत है आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए नौकरी के लिए नहीं एग्जैक्टली आइए कसौटी की तरफ आज जी सबसे पहले मुजफ्फर साहब हमारे पास मौजूद हैं और उनके साथ हैं फातिमा अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम कैसे हैं मुजफ्फर साहब अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो मैं आफ्ताब भाई को अतीक भाई को नासिर शाह साहब भाई को मुबारकबाद देता हूँ नया टाइम टीवी की थैंक यू वेरी मच अल्लाह ताला बरकत करे आपके लिए थैंक यू आमीन आमीन अल्लाह नियतों का नवाजता है जी बेशक बेशक शख्सियत मर्द है मुजफ्फर भाई जी जिंदा नहीं एशियाई नहीं ताल्लुक अमरीका से जी डायरेक्ट अमरीका एक अमरीकी दो चार जो जिंदा नहीं है जी जनाब शोबिस अपेरेंटली शोबिस या पॉलिटिक्स मुजफ्फर भाई ताल्लुक शोबिस से नहीं नहीं अरे आज आप अपने सवाल पे गए नहीं है तो अपने सवाल पे आपकी फील्ड आई थी जी भाई कब्रिस्तान जाया करो सबसे पहले 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं इंतकाल को नहीं 25 साल से ज्यादा नहीं 1998 के बाद शोबिज नहीं तो फिर सियासत सियासत और सियासत मीडिया शोबिज पे थोड़ा सा उन्होंने तवक्कुफ किया था मीडिया की शख्सियत को हो सकती है और या डिटरमिन कर लेते हैं स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स पूछने लगे नहीं है बिग बिजनेस भी हो सकता है अच्छा जी वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है नहीं इल्म व फजल है जी फैसला बातियां दा इल्म व फजल दा ताल्लुक होती है नहीं नहीं बहुत होता है आप ऐसे ना अब मेरी तरफ देख लें अब्दुल्ला हुसैन वाज फ्रॉम फैसलाबाद क्या मोहियुद्दीन नहीं अब्दुल्ला हुसैन तो बहुत बड़ा नावल निगार था ना क्या मोहियुद्दीन एक बहुत बड़ा एंकर था हसन निसार के अजीज वाज हसन निसार इज नॉट फ्रॉम फैसलाबाद he is no sir no he is not from faisalabad from lailpur he is from lailpur wow khud bhi nahi maante nusrat fateh ali khan sir nusrat fateh ali khan nahi wo ilm o fazl ki baat kar rahe the wo to babur fateh ali khan is from faisalabad mazak nahi bilkul ji acha ji idhar aajo and I think professor kk aziz was also from the same area wow professor kk aziz murder of history yes क्या किताब है क्या नाम है मर्डर तो किताब नहीं जानती बट नाम अच्छा ਸਾਡੇ ਕੋ ਗਵਾਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਪੜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਅਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋ ਐਤ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜੀ ਹੈ ਔਰ ਉਨਸੇ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਹੈ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਤੁਮਸੇ ਗਵਾਹੀ ਲੂੰ ਇਹ ਚਾਰ ਡਿਸੈਂਡ ਜੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਧਰ ਆ ਡਿਸੈਂਡ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਜਾਣ ਲਈ ਪਾਇਆ ਆਜੋ ਸਾਡਾ ਸਟੈਮਿਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ
ताल्लुक यूनाइटेड स्टेट्स पूछ लें। यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा जी, ताल्लुक रियासत है मुतहदा अमरीका से है जी। 10 सवाल। 10 भी हो गए जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक कोई साफी रिसेंटली फौत हुआ हो, कोई राइटर बड़ा तगड़ा, कोई इल्मी शख्सियत, कोई साइंसदान। स्टीव कोहन मेरे ख्याल में सबसे प्रोमिनेंट बंदा है जो जी। वो तो 2 साल हुए। हाँ, 2-3 साल हो गए। स्टीव कोहन पहले हो नहीं चुका? प्रॉबली नॉट, आई एम नॉट श्योर। जिक्र वैसे आता रहता है उनका। हाँ, जिक्र आता रहता है। इवन अभी की जो पर्सनैलिटी है, वी थिंक कि नहीं हुई भी पहले। अभी मैं और अली हसनैन डिस्कस कर रहे थे, बट वी आर एक्चुअली अ लिटिल कंफ्यूज्ड, बट आई थिंक वी हैव नॉट डन इट बिफोर। रॉबर्ट फिस्क ने लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ द पीपल। नहीं नहीं, वो और है। वो और है, वो अमेरिकन ही है। अमेरिकन ही है, और उसका नाम ही जिन जैसा नाम है। रॉबर्ट फिस्क नहीं है उसका नाम। हिस्ट्री ऑफ द पीपल बड़ी कमाल की किताब है, बड़ी शानदार की, अमेरिकन हिस्ट्री पर लाजवाब किताब। अच्छा जी, कोई हिस्टोरियन, कोई राइटर, कोई सिडनी शेल्डन? हाँ, उस तरह का। ओके, ठीक है। सिडनी शेल्डन को देखो। हाँ जी, अदीब, मतलब अदीब, नॉट रिसर्चर और एकेडमिक। हाँ, कोई जॉन ग्रिशम, रॉबर्ट लडलम, इनमें से कोई जो रिसेंटली फारिग हुआ हो। अच्छा जी, अदीब हैं कोई? अदीब नहीं है। फिर मुहक्किक ही है। व्हाई नॉट, अच्छा वो तो हो चुका है। किंग तो हो चुका है ना, लैरी किंग जी सर, हो चुका है। जॉनी कार्सन, हमने कहा अदीब नहीं है। जॉनी कार्सन एक बहुत बड़ा नाम। ब्रॉडकास्टर पूछ लें तो? नहीं, शोबिस, इन्होंने कहा नहीं है शोबिस से कोई। जॉनी कार्सन, जॉनी कार्सन इज ऑल अबाउट शोबिस। जॉनी कार्सन ने पहला खबरनाक किया था, पहला खबरनाक जो हस्बे हाल है। द आइडिया वॉज एक्चुअली इंस्पिरेशन उसकी जॉनी कार्सन से होता। इंतकाल को 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं? पच्चीस से कम। That's right. So, 5-6 साल की बात है सारी। सियासत शोबिज से कोई ताल्लुक नहीं? नो सर, इल्म फसल से ताल्लुक है और अदीब नहीं है। कोई कार्नेगी, सक्सेस लिटरेचर वाला? सक्सेस लिटरेचर वाला। स्टीव कवि तो हम कर चुके हैं ना जी सर, कर लिया। सक्सेस लिटरेचर वाला बंदा हो सकता है। डॉक्टर डिबोनो, व्हेन डिड ही डाई? नॉट श्योर, आई थिंक रिसेंटली। और इज ही डेड? आई थिंक ही इज, क्योंकि सक्सेस लिटरेचर में तो जो रीसेंट नाम है वो सबसे बड़ा नाम कवि का ही है। तो स्टीव कवि है ना सर। आहिस्ता आहिस्ता ये शक्लें भी देखने वाली होंगी। अभी एक तरफ टेक हुई है, एक दूसरी तरफ टेक हुई है। एक दफा रंगीला आया शो में, वो की बोर करता था, हमें गालियां नहीं दी बस, एक बाकी सारा गए। तुझे और मेरे मुंह पे कह लगे, ऐ तुझे कर दे की हो, ये की है कि मेरे सिर से दर्द हो, कहना मेरा ना ही लगा बोर करन दा, असल ते तुसी कर दे, मैं जा रहा। और लिटरली चला ही, और तुम पता उसने आरफ वाले चला गया सी, वो जेंज खजे मैं उठे रह रहे। वही कह रही हूं, अभी देखते देखते ना एक ही टेक इधर गई है, एक ही टेक उधर गई है, थोड़ी देर में सारे ठोस, थोड़ी देर बाद से लंबे बैठना पीने गल ही होवे, ऐसे मशवरा भी नहीं दे सकते के पाजी। जफर भाई जी माशाल्लाह, मुजफ्फर भाई सारी दिहाड़ी पहले याद है ना तुसी चैलेंज कीता है? जी जी, मैं सुता तो नहीं होया। अच्छा यार, बंदा निकल गया जी। सक्सेस लिटरेचर पूछा जाए? सक्सेस लिटरेचर में कौन आपके कार्नेगी के अलावा कौन है जो आता है? डिबोनो तो साइकोलॉजिस्ट था, उसकी लाइन का बड़ा साइकोलॉजिस्ट, कोई बड़ा गुड टू ग्रेट, इसकी है जी गुड टू ग्रेट। दिस इज नॉट डिबोनो। डॉक्टर डिबोनो वाज नोन फॉर हिज सिक्स हैट थ्योरी, द फेमस सिक्स हैट्स थ्योरी। मैंने और एफएसजे ने इकट्ठा डॉक्टर डिबोनो अटेंड किया था व्हेन ही वाज इन लाहौर, एड एशिया 1988 जी। तो नैरो करना जरूरी है जी। हाँ, यानी कोई एकेडमिक रिसर्चर है या कोई सक्सेस लिटरेचर। अदीब नहीं थे, मुहक्किक हैं कि नहीं थे वो भी पता करना पड़ेगा, जहन में कोई नहीं आ रहा। हिस्टोरियन, फिर हिस्टोरियन ही पूछते हैं, मतलब एकेडमिक प्रोफेसर टाइप कोई। डेफिनेटली एकेडमिक, लेकिन कौन? गोरा है कि अफ्रीकन अमेरिकन है? इस पर गौर तो करें ना कि जहन में कौन आता है, को रीसेंट पास्ट में किसका इंतकाल हुआ है, को बड़ा अहम कोई राइटर कोई। अच्छा, वो जिंदा है अपना
अच्छा मीडिया हमने पूछा है कि नहीं जी सर, शोबिज पूछा है आपने? शोबिज पूछा है, मीडिया नहीं पूछा। भाई फ्रीडमैन, ही इज अलाइव, ही इज अलाइव, इवन दैट गाय इज स्टिल अलाइव। वो क्या है उसका क्या नाम है यार, फॉक्स नहीं, ये जिसने यार ऑल द प्रेसिडेंट्स मैन लिखी थी। अच्छा हाँ, वो ही इज अलाइव, ही इज अलाइव, वो पूछा भी जा चुका मेरे ख्याल में। नहीं नहीं पूछा नहीं जा चुका, उम्र कितनी है और इसके बावजूद ही इज अलाइव। जिसने निक्सन का वाटरगेट स्कैंडल पकड़ा था वो है क्या यार, बड़ा वेरी प्रोलिफिक राइटर जी, वाशिंगटन पोस्ट का, और 2-3 साल बाद उसकी बुक आ जाती है। यार चीजें महव हो रही हैं दिमाग से, अब दिमाग पे और चीजें आना शुरू होगी। वो दो राइटर्स थे जिन्होंने मिलके लिखा, जो मेन था ना ऑल द प्रेसिडेंट्स मैन, यू रिमेम्बर वी सॉ द मूवी आल्सो इन अमेरिकन सेंटर। अमेरिकन सेंटर वाज अ वंडरफुल प्लेस, क्या जगह थी वो, भले वक्तों में हमें कैसी कैसी जगह मयसर थी। सक्सेस लिटरेचर का मेरे ख्याल में ज्यादा चांस, हिस्ट्री का ज्यादा चांस। ज़िन उस बंदे का नाम है, ज़िन, मैं हैरान हूँ कि उसका नाम मेरे पास इतनी देर से पड़ी हुई किताब जो है उसे एक्सट्रैक्ट्स भी पढ़ता रहा हूँ, हिस्ट्री ऑफ द पीपल किताब है। अब ज़िन है, ये क्या नाम है, एक और राइटर है लेकिन पता नहीं वो शायद जिंदा है, टिपिंग बैलेंस या बैलेंस पे साइकोलॉजी पे। नहीं 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 नहीं, है अमरीकी ही जी सर, या यानी लेकिन हिस्ट्री पे जाने दे मुझे चलें। इज नरेंद्र सिंह सरीला अलाइव? वो तो इंडियन है ना, मेरे ख्याल उसकी डेथ हो चुकी है, उसकी डेथ हो चुकी है, उस जैसा कोई राइटर, उस जैसी। आपको पता है सरीला वाज एडीसी टू लॉर्ड माउंटबेटन, किसी रियासत का मेरे ख्याल में वो था दीवान, मतलब उसके बच्चों में से दीवान के, लेकिन बहुत खूबसूरत चीज लिखी है उसने, बहुत शानदार। शैडो ऑफ द ग्रेट गेम इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई हैव एवर रेड ऑन हिस्ट्री, नरेंद्र सिंह सरीला। ये दो बंदे हैं जो अमरीकी यूनिवर्सिटियों में इंडियन स्कॉलर्स ने कमा, एक ये और एक बुधा प्रकाश, द गाय हु रोट पोरस, पोरू, राजा पोरस पे कमाल किताब है उसकी, बुधा प्रकाश। और वो जिसने मुगलों पे बहुत काम किया है, बंगाली राइटर, हाँ जादूनाथ, यस जादूनाथ सरकार, सरकार। तो चला जाए जी फिर मखला, रिसर्चर एकेडमिक, चल जाइए कीजिए कीजिए कीजिए। मुजफ्फर साहब जी जी, ये कोई एकेडमिक है मतलब प्रोफेसर? नो नो, तो जिन शिन तो निकल गए, ये वो सक्सेस लिटरेचर वाला ही कोई बंदा है, सक्सेस लिटरेचर है या कोई रिलीजियस लिटरेचर वाला तो कोई भी नहीं है ऐसा। एक बड़ा रिलीजियस स्कॉलर होता था उनका, बिली ग्रैम, बिली ग्रैम वाज बड़ा इन्फ्लुएंशियल आदमी था जी जी, या ये पूछा जा सकता है फिर रिलीजन? नहीं नहीं नहीं, सक्सेस पे जाइए, कार्नेगी, दिमाग मेरा कार्नेगी की तरफ जाता है। क्या है डेल कार्नेगी था क्या? वो तो पुरानी बात है लेकिन उसी तरह का कोई बंदा। नहीं नहीं कार्नेगी एक है, if it is not Carnegie then who else is in your Carnegie mind? Died in I think in the 50s to fir naya banda dekhe na koi kaun hai success lekin ye rule out karna bhi zaruri hai nahi nahi fir koi bhi nahi hai fir aisa koi wo nahi hai ke fir ye religious sikh banda ya koi occult pe likha ho kisi ne Daniken na ho Eric von Daniken na ho ji Muzaffar sahab ye koi academic hai jaise kisi think tank mein kaam kiya ho ya university mein padhaya ho ji padhaya hai inhone university mein ओके यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है कितने क्वेश्चंस रह गए जी सर 12 सवाल 12 हुए ना 8 है हमारे वो मौजू की तरफ आ जाएं एंथ्रोपोलॉजी है तो फिर इट इज डेसमंड मॉरिस ठीक है अगर हिस्ट्री है तो देयर आर क्वाइट अ फ्यू देखने पड़ेंगे एक पाकिस्तान फिक्शन है ही नहीं एक पाकिस्तान पे भी एक बंदे ने बुक लिखी है ना पाकिस्तान लॉरेंस ज़ेरिंग ज़ेरिंग हां पाकिस्तान इन द 20th सेंचुरी लॉरेंस ज़ेरिंग मेरे कोर्स में थी इसलिए मैंने एक सेकंड लगाया ये भी पता पीले रंग का टाइटल था बड़ी खूबसूरत किताब इट्स अ गुड बुक वेरी गुड ज़ेरिंग प्लस लेकिन ये कहा इन्होंने क्लेम टू फेम जो है ना वो उनकी एकेडमिक वो नहीं है हां तो ज़ेरिंग वाज अ डीन वो तो उनकी तो फिर वो हो गई ना नहीं ज़ेरिंग नहीं हो सकती ये ऐसा है कि जिसने साल दो साल पढ़ाया हो पढ़ाया है लेकिन वो क्लेम टू फेम नहीं है मेरी भाई कसौटी हो रही जी है कि थे असी थर्ड फ्लोर हैले टावर अच्छा जी हाँ जी फूड कोर्ट सामने वाम बैठी सारी ये भी देख लें कि डेसमंड मॉरिस ने बहुत पढ़ाया और उसका क्लेम टू फेम उसका एकेडमिक होना ही है जी सर ज़ेरिंग का भी
इसका भी, डेसमंड मॉरिस का भी, और वो रूट्स वाला बंदा जो है एलेक्स हेले, ही डाइड बिफोर दिस पीरियड। नहीं सर, उसने तो फिक्शन भी लिखी है, तो नॉवलिस्ट था। एलेक्स हेले वाज अ नॉवलिस्ट, इन्होंने कहा ही इज नॉट अ नॉवलिस्ट, नॉट अ नॉवलिस्ट, यस, नॉट अ अदीब, राइटर, अदीब नहीं है। तो उसका व्हील्स, व्हील्स इज अ गुड बुक, रूट्स इज अ ह्यूज, रूट्स इज अ मास्टरपीस, कुंता किंते, यू हैव इट, कैन आई बोरो दैट? I had two versions. Believe me, मैं अच्छी किताबों के ना दो versions भी ले लेता था। मेरे बच्चे गुल कर देते थे किताब टाइटल तो मैं नहीं ले। I'll have to find it from somewhere, but I'll get one for you. Roots is a good book. You should read Gone with the Wind. Read Good Earth. इनसे आगाज करो. Don't go to Roots to begin with. Roots भी बहुत ही अच्छी किताब, तीसरी वो रख लो. तो अब क्या success literature रह गया फिर पीछे? History, सक्सेस लिटरेचर, सक्सेस, अच्छा डिबोनो ने भी वैसे सक्सेस लिटरेचर और ये चीज़ें तो की हुई हैं। वो भी एक एक राइटर है ना जिसपे प्लेजरिज्म का चार्ज लगा था पिछले दिनों, डाविंची कोड। हाँ, डाविंची कोड वाला, इजंट ही एन अमेरिकन? लेकिन वो Dan तो देखिए फिक्शन है ना, वो तो फिक्शन रहा, इज अ नॉवलिस्ट, डैन ब्राउन। नहीं नहीं, वो नहीं, वो नहीं हो सकता, वो नॉवलिस्ट। अच्छा जी, should we move towards success literature? That is one untapped area. जी जाइए। मुजफ्फर साहब, success literature produce करना इनकी वजह शोरत है? Sir, explain कर दीजिए। Success literature जैसे सबसे बड़ा नाम recent history में जो आता है वो तो स्टीव कवी का है। स्टीव कवी है, उससे पहले कार्नेगी था, फिर डॉक्टर डिबोनो थे, इस तरह के बड़े लोग हैं जिन्होंने success literature किया। I don't think so, no. No. अच्छा, तेरा सवाल मुजफ्फर साहब को ढूंढ के लाए जी, पर्सनालिटी कहीं बहुत जल्दी फड़े जाना सी पहले। अच्छा ओके, तुसी लंघ गए हो कि वो कह रहे हैं कि गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, यस, यहाँ मेरे राजदां और भी हैं, यस यस, सितारों से आगे जहां और भी, छड्डो कसौटी नूं शेर ही सुनाई लेकिन अभी तो मैं कह रही हूँ कि पहली पर्सनालिटी हो रही है। भाई फैसलाबाद हो गया अमरीका या उथे ही सी रशिया तो लो मां और सा नहीं कर दीजिए। चलो एदा दे सवाल ना पूछो ना पड़े जाने वाले, साडा जवाब नहीं देना तुसी। अच्छा ठीक, सानू सूट देना ही लीदा जनाब, एनी टाइम। उनका परफ्यूम है बड़ा सेलिब्रेटेड, पाशा। जिस दिन से वो आना शुरू हुआ उन्होंने प्रोडक्शन रोक दिया। पाशा लीला करके पाजो, शुक्र अल्लाह का। रिलीजन की तरफ नहीं गए, रिलीजन एक एरिया है। स्पोर्ट्स राइटर को बड़ा मशहूर, कोई इतना मशहूर कोई लगता नहीं। एंथ्रोपोलॉजी, डॉक्टर साहब मारूफ शख्सियत तो है ना ये? जी सर, मतलब हम में से आधे लोगों को कम से कम पता होगा। नहीं सर, इधर तो किसी को नहीं पता, हम में से तो कोई नहीं। गारंटी के साथ किसी को नहीं पता, जाहिर है। ये अल्लाह तेरा शुक्र है, हाथ दे के बचा। मुजफ्फर साहब नू पूछ लो कि महल्ले दा बंदा तो नहीं। नहीं यार, नहीं, इल्म ओ फजल के नाम किससे ही है ना, तो फिर ली आया कोका तो इसमें नहीं फॉल करता। वो तो बिग बिजनेस था, क्राइसलर। वो बिजनेस नहीं था, वो तो एक मैनेजर था, ही वाज क्राइसलर। मतलब वो बिकम्स बिग बिजनेस व्हेन यू ड्रॉ सैलरी इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स प्लस बोनसेस एंड स्टॉक शेयर्स। आयो कोका की भी किताब एक बनवाने में बड़ी मशहूर थी, वो जो था जिसने लिखी थी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। यस, सैमुअल हंटिंगटन। हंटिंगटन, सैमुअल हंटिंगटन, व्हाई नॉट सैमुअल हंटिंगटन। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, व्हेन डिड ही डाई? वो मेरे ख्याल रिसेंट ही है उसकी डेथ भी। हिस्ट्री पे जाएं,
स्ट्रेट वे जाएं, बहुत बड़ा नाम आपने पिक किया है। मुजफ्फर साहब हिस्ट्री वजह शोहरत थी जी नाउ ही इज टॉकिंग नाउ ही इज टॉकिंग लगदा फड़े गए नेड़े नेड़े 15 क्वेश्चन हुए हैं जी सर 14 क्वेश्चंस 14 क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन पूछ ले क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के ऑथर नो अब हुए हैं 15 सवाल एक और था फुकुयामा जिसने वो लिखी थी एंड ऑफ हिस्ट्री इज ही अलाइव एक खौफ हो कि ना ले ले 92 में 92 93 में उसकी बुक आई थी ही मे बी अलाइव एक्चुअली हिस्ट्री हिस्ट्री का बंदा मेरा ध्यान फिर जिन की तरफ चला गया मेरा ध्यान फिर उधर चला गया और मुझे अफसोस है कि उसका पूरा नाम मुझे क्यों नहीं याद आ रहा मेरे पास उसकी किताब इतनी देर पड़ी रही है जेन स्टीव कोहन क्यों जी लॉरेंस ज़ेरिंग आउट हो गया लॉरेंस ज़ेरिंग आउट वो तो पहले ही 6 ओवर में हो गया सबाइन मॉर्गनथाउ कैपलर क्यों जी हिस्ट्री ऑफ द पीपल के राइटर हैं जी नहीं जी नहीं कितने हो गए 16 क्वेश्चन क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन वाले का नाम क्या है सैमुअल हंटिंगटन हंटिंगटन कितना मुश्किल नाम और वो भी हम कर चुके हैं 100 के जो ऑथर वो तो हम कर चुके हैं वो कर चुके हैं और वो हमसे पूछा नहीं गया था माइकल हार्ट उसमें फिर थोड़ा सा डिट्रैक हो गए थे तो इल्मो फजल इल साहब जल्दी से अंदर आओ सारे बर्गर खा गए ने बाहर अरे बर्गर खा गए वैसे खा सकते हो जाके खाओ आप हां सैर करके आ सकते हैं हां आपको घूमे फिरे सैर कर रहे हैं जी हमें क्योंकि पता है थोड़ी देर में आप सब यहाँ पे ढेर हो जाएंगे इसलिए आप दो तीन सवाल रह गए ना साड़ी याददाश्त वापस आ जाए नहीं वो वंडन नहीं ढे बारो पैसे आते ने तुसी किथे खा आओ पैसे ला साडा ओपन माइक कैफे मेरा अपना कैफे ओपन है एक खाने दे शकीन ने इसीलिए कहंदे ओपन माइक कैफे यार राइटर 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 हाथ से निकल गया भाई अफसोस एक हिस्टोरियन हाथ से निकल गया हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन वो तो 70s में उनकी डेथ हो गई विल्दोरा टाइप को कैरेक्टर यस विल्दोरा किस्म का राइटर अमेरिकन हिस्टोरियन एन अमेरिकन हिस्टोरियन स्टीव कोहन स्मिथ स्मिथ नहीं ये यार पाकिस्तान के बारे में एक तो स्टीव कोहन है ना और कौन है जिसने पाकिस्तान के बारे में भी अमेरिका की पाकिस्तान में इन्वॉल्वमेंट वो क्या किताब आपने मुझे दी थी वो तो इंडियन है अच्छा वो इंडियन अमेरिकन रोल इन पाकिस्तान बायोग्राफर मशहूर हो कोई हाँ जिसने जिन्ना की बायोग्राफी लिखी है स्टैनले वाल्पर्ट हाँ ही डाइड रिसेंटली ही डाइड वेरी रिसेंटली स्टैनले वाल्पर्ट कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी जी 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 और वो तो है ही एकेडमी यार ये कहते हैं कि पढ़ाता भी रहा है लेकिन नहीं वो तो ऑल अलोंग ही टॉट उसने कुछ और काम नहीं किया मतलब कोई पेंचरा का काम नहीं करता था कोई बहुत बड़ा बायोग्राफर है भाईजान जी जी जिसने भुट्टो की जिन्ना नेहरू इन सब की बायोग्राफीज लिखी जी जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान का राइटर जी जी स्टैनले वाल्पर्ट वेल डन शकील वेल डन शकील सानू वेल डन करो जिन्हें साह कुट के बैठे अच्छा छोटा सा एक हिंट मैं कोई बायोग्राफर मेरे मुंह से निकला था कोई बायोग्राफर हुए और ठक को वाल्पर्ट पे गया बहुत अच्छी पर्सनालिटी और हमारा ध्यान नहीं जा रहा था बड़ी पर्सनालिटी और अगर ये मिस हो जाती यस तो बहुत अफसोस होता सर अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैलेंज हमारे साथ नासिर शाह साहब मौजूद हैं ऑल द वे फ्रॉम कनाडा जी नासिर शाह हमारे डार्लिंग फ्रेंड ब्रदर विजिटिंग फ्रॉम कनाडा जी नासिर शाह साहब अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सर क्या हाल है आपके अल्हम्दुलिल्लाह अपने साथ बैठे दोस्तों का तारुफ भी करवाई है जी मेरी राइट साइड पे मेरे छोटे ब्रदर इमरान शाह साहब बैठे हुए हैं अच्छा जी और लेफ्ट साइड पे नदीम पहलवान जो कि रेसलिंग के चेयरमैन है पाकिस्तान रेसलिंग के चेयरमैन है नदीम साहब के साथ मेरी मुलाकात आप ही ने करवाई थी जी ये कब की बात है काम क्योंकि मैं इन्हें प्लेस कर रहा हूँ कि मेरी मुलाकात हुई ये 4-5 साल पहले मुलाकात हुई थी 4 साल पहले अच्छा अच्छा अच्छा
जजी शख्सियत मर्द है जी, जिंदा जी, एशियाई जी, ताल्लुक साउथ एशिया से जी, पाकिस्तान से जी, वजह शोहरत सियासत और हुकूमत नो, इल्म फजल जी, एक शख्स जो जिंदा है, इल्म फजल वजह शोहरत, इल्म फजल ही वजह शोहरत है, मतलब ये बताया ना इन्होंने जी, पाकिस्तानी जिसकी वजह शोहरत इल्म फजल है जो जिंदा है या ताल्लुक पंजाब से, या ताल्लुक पंजाब से है जी, अच्छा जी पहले हो नहीं चुकी शख्सियत ये, नो सर, ताल्लुक पंजाब से, पंजाब से तो गोया लाहौर से पूछेंगे या लाहौर पूछना बेकार है, लाहौर नहीं, क्या शायर हैं, अदीब हैं, वजह शोहरत इल्म फजल आपने बताई, तो इल्म फजल में उनका फील्ड अदब है, नो, कोई मजहबी शख्सियत, कोई मजहबी शख्सियत है, नो, दस सवाल, अदब भी नहीं है, फिर कोई स्कॉलर नहीं, तो स्कॉलर है तो मजहबी हो गया, डॉक्टर मुबारक अली जैसा कोई, फिर यूं करें ना मुहक्किक, हाँ फिर क्यों, डॉक्टर मुबारक अली तो हो चुके हैं वैसे, समबडी लाइक हिम जो जिंदा है, कोई साइंसदान, समर मुबारक, मुबारक मंद, वही मेरे जहन में आ रहा था, समर मुबारक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछे या मुहक्किक पूछे, क्योंकि मुहक्किक तो लाजमी होंगे ना, वो अंडरस्टूड है, अगर शायद साइंस टेक्नोलॉजी से पूछा जा सके, वजह शोहरत साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, नो, तारीख नहीं, वैसे जनरली मतलब हिस्ट्री से ना अगर हम करें, पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हो तो भी नहीं, कुछ सहाफी, सहाफी कोई कॉलम निगार भाई, दैट्स राइट, और कहीं ये इनसे गलती ना होगी हो, क्योंकि अगर सहाफी है ना तो अक्सर सहाफी अदीब भी होते हैं, शाह साहब को बहुत नामी गिरामी सहाफी पूछे आपने जी, वाह दैट इज द फर्स्ट ब्रेक थ्रू, गुड, कोई एंकर को होस्ट, नजम सेठी, इमरान रियाज, इमरान रियाज यस, वो अदीब नहीं है, दोनों अदीब नहीं है, हसन निसार अदीब हैं और यह मकबूल जान अदीब हैं, ठीक है, कहीं आप ही क्या ना पूछ लिया, मैं तो हो चुका हूँ पहले जी सर, हाँ हो चुका हूँ, पहुँच गए थे, हाँ हाँ छठे पे मैं पूछ लिया, छठे साथ में, तो व्लॉगर हैं, एंकर हैं या कॉलम नवीस हैं, दानिश्वर हैं और वजह शोहरत उनके व्लॉग्स हैं, ये भी हो सकता है, इससे दोनों में फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि उधर नजम सेठी, नजम सेठी की वजह शोहरत उसके व्लॉग्स नहीं है, लेकिन अब तो खैर वो दूसरी तरफ चले गए हैं ना, फुल टाइम क्रिकेट को ही देख रहे हैं, नहीं नहीं वो तो एक तो बेसिकली तो वो एक जर्नलिस्ट है ना, साफी है, राइटर है, अच्छा जी वजह शोहरत उनके व्लॉग्स हैं, नो, कॉलम नवीस कॉलम भी लिखते हैं और होस्ट भी हैं, कॉलम भी लिखते हैं और टीवी शो भी करते हैं, हारून रशीद, यस भाईजान, इट कुड बी हारून रशीद, यस, अब टीवी चैनल से पकड़े, दोनों टीवी से पकड़े, नहीं मेरे ख्याल थोड़ा सा पहले नैरो करना पड़ेगा कि टीवी पंडित हैं जो कमेंट करते हैं आके या कॉलम लिखते हैं, देखें जी दोनों कॉलमनिस्ट हैं, नजम सेठी भी और फिर अयाज अमीर, अयाज अमीर तो बहुत तगड़े कर ताल्लुक उर्दू साहबत से, ये कर लेना ताकि नजम सेठी भी निकल जाए, अयाज अमीर भी निकल जाए, नहीं अब तो वो उर्दू में लिख रहा है, एक क्वेश्चन, अयाज अमीर उर्दू में कर रहा है, नहीं नहीं तर्जमा होता है भाई, सर मैं आपका एक क्वेश्चन क्लियर करना चाहती हूँ, आप एक होता है सवाल करें, जैसे आप अक्सर पूछते हैं कि क्या क्रिकेटर है या क्रिकेट से ताल्लुक है, सो इसी तरह आपने एक सवाल किया क्या उनका ताल्लुक अदब से है, आपका सवाल था क्या वजह शोहरत अदब है, सो वजह शोहरत इज नॉट अदब, वजह शोहरत इज नॉट अदब, यानी अदीब तो फिर है ना, वजह शोहरत अदब तो समझ आती है कि फिर वो अदीब होगा, लेकिन वजह शोहरत अदब नहीं है, कॉलम निगार है जी, कोई दैट्स राइट, सवाल कितने हुए हैं जी सर, 13 सवाल, अताउल्लाह कासमी जैसा वो तो प्योर अदीब है भाई, प्योर अदीब है, सफरनामा निगार और शायर भी है वो, तो शायर भी, हसन निसार भी वैसे तो शायर भी हैं और अदीब भी हैं, कॉलम निगार हैं भैया, यस द
देन इट इज हसन निसार, और टीवी शो भी करते हैं, बड़ा मशहूर। पूछना चाहिए, टीवी शो भी करते हैं? टीवी शो भी करते हैं, यस। आहा, 15 सवाल। चौराहा के उन्वान से उनका कॉलम आता है? नो। हारून रशीद के कॉलम का नाम क्या? ना तमाम। ना तमाम के उन्वान से कॉलम आता है? नो। नो। 17 क्वेश्चंस। आमिर मीर तो नहीं कहीं? आमिर मीर भी हो सकते हैं, और हरफ राज। और या तो ये हमें करना पड़ेगा जी, लाहौर में रहते हैं, इस्लामाबाद, पंजाब का कहा इन्होंने? पंजाब, पंजाब। इस्लामाबाद इज नॉट पंजाब। इस्लामाबाद इज नॉट पंजाब। हामिद मीर इज आउट। इट इज इधर ओरिया और भाई ये अपना सोहेल बड़ाच, वाई नॉट? तो इन दोनों को फिर कैसे किया जाए? जंग ग्रुप से ताल्लुक? जंग ग्रुप से तो उसका है ना हारून रशीद, नहीं नहीं, सोहेल बड़ाच, सोहेल बड़ाच का, उनका तो दूसरा है ना अभी वो। ओरिया का तो 92 में शायद, ओरिया का किसी से नहीं है आजकल तो, मेरे ख्याल वो अपना कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि वीलॉग्स उनकी वजह शोहरत नहीं है, तो ओरिया तो, ओरिया तो वीलॉग करता है आज का, करी वीलॉग रहा है। 17 सवाल में जी। जी सर। अयाज अमीर हो गया रूल आउट? हाँ, अयाज अमीर रूल आउट। हमने अंग्रेजी उर्दू कर नहीं लिया? नहीं। अंग्रेजी कॉलम ने कहा नो सर। Why not नजम सेठी? उसमें क्या प्रॉब्लम? नजम सेठी तो अभी नहीं कर रहा जर्नलिज्म, नहीं कर रहा ना, नहीं कर रहा, लेकिन ही इज अ जर्नलिस्ट। ये ओरिया मकबूल हो सकते हैं, ये हसन निसार हो सकते थे, ये अदीब, अदब, लिटरेचर। अब सोहेल बड़ाच ने कोई लिटरेचर एज सच लिखा कोई नहीं, अदब वो तो उसने, इंटरव्यूज की बुक्स हैं, इंटरव्यूज की किताबें, कमेंट्री की किताबें हैं, लिटरेचर नहीं लिखा ऐसा। मैं तो हसन निसार की तरफ मेरा ध्यान जाता था, बड़े कॉलम निगार तो भी, अपना टीवी शो भी करते हैं, मुस्तनसर हुसैन तारड़। अब तो मेरा ख्याल वो, ही डज अ मॉर्निंग शो वंस इन अ वाइल, खुद नहीं करते, साथ बैठते हैं। हरफ राज ही होगा, लाहौर के अगर आप कॉलमनिस्ट देखें, लेकिन उन्होंने कहा कि वीलॉग नहीं करते। यार चेक कर लें, आपने कहा है वीलॉग्स नहीं करते, सर आपने वजह शोहरत पूछी, तो अगर देखा जाए तो उनकी वजह शोहरत उनके वीलॉग्स ही हैं। सर वीलॉग्स करते हैं, लाइक प्राइमरी वजह शोहरत वो नहीं है जी। इमरान रियाज की ना वजह शोहरत जो है वीलॉग्स है, लेकिन इनकी नहीं है। इमरान रियाज की बात नहीं हो रही जी, वो उनकी तो एक वो भी है ना कि ही इज अ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट। और भी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट कौन कौन है भाई? कोई इतना वेल नोन जो है ना, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है जी। हरफ राज लिखते हैं जी, और या मकबूल जान पूछा जी, बिल्कुल। और मैं एक बार आपके प्रोग्राम के हवाले से आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और आज मैं यहां पे ओपन माई कैफ़े पाकिस्तान में बैठ के जो खाना खाया बहुत मज़ा आया। अच्छा, वाओ। और बहुत इन्जॉय किया, मेरी फैमिली भी यहां पे आई हुई थी, उन्होंने बड़ा इन्जॉय किया, और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो मिसी सागा में हमें अप्रिशिएट करते हैं, और जब भी वहां पे जाते हैं ऑलवेज़ टेक्स्ट करके, मैसेज करके हमें अप्रिशिएट करते रहते हैं, कहते हैं जी आपका खाना बेस्ट खाना है, और जितने भी लोग आए हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने हमें अप्रिशिएट किया उन सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शाह जी। थैंक यू जी। शाह जी एक दिलचस्प बात यह है कि चंद दिन पहले एक दोस्त ने जी आपको विज़िट किया था अपने काफ़ी दोस्तों के हमरा जी, कहने लगे कि हमारा बड़ा नुकसान हो गया आपके कैफ़े की वजह से। अच्छा। मैंने कहा जी क्यों? कहते शाह जी ने ऐलान किया हुआ था कि अगर पसंद ना आया खाना आप सिर्फ कह दें कि नहीं पसंद आया तो मैं पैसे नहीं लूँगा। तो कहते हम इस माइंड के साथ गए थे कि कुछ ना कुछ तो नक्स होगा जी, तो किसी ने झूठ नहीं बोला, सबको पसंद आया तो हमने पैसे दिए जी, बिल्कुल। ये सर ये आपने जो मुझसे प्रॉमिस लिया था, आपका नाम जो है माशाल्लाह का बड़ा ही करम आप पे, उस नाम को हमने कोशिश की है अभी कंटिन्यू इसी तरह चलता रहे जिस तरह अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है। शाह जी सिर्फ क्वालिटी ऑफ फूड ही नहीं जी, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है ना, बेस्ट प्रैक्टिसेस जी वो होनी चाहिए।
बिल्कुल ऐसे ही है जी। हमारा नाम किसी ऐसी चीज में नहीं आना चाहिए जिस पर हमारे बच्चे शर्मिंदा हो। सही कहा जी। थैंक यू जी।